बहुत ही शॉर्ट बहुत ही क्विक वीडियो ऑन हाउ सैलरीज़ आर कोटेड इन यूरोपियन मार्केट्स, वेस्टर्न मार्केट्स और हाउ सैलरीज आर कोटेड इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ या पाकिस्तान इंडिया या और भी बहुत सारे कंट्रीज़ तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं सैलरीज़ पे या कई इन डिफरेंट कंट्रीज़ तो हर वीडियो के अंदर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या सैलरी है आपके यहाँ पे वॉट यू सी सैलरी टू बी और एक नंबर हमें कोट किया जाता है तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी बड़ी बेसिकली जो मुझे फॉलो कर रहा है तो देखो यहाँ पे यूके की बात करूँ मैं यूएस की बात करूँ कनाडा की बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की भी बात करूँ वेन दे टॉक अबाउट सैलरी वो सैलरी को बोलते हैं कि यार मेरी ग्रॉस बेस पे सैलरी है लाइक नेट ऑफ टैक्स नहीं होती क्योंकि टैक्स एलिमेंट जो बाद में डिडक्ट होता है एम्प्लॉयर का उससे लेना देना नहीं है ठीक है तो जब सैलरी कोट हो रही है इस बेस ऑन द ग्रॉस बेसिस बिफोर एनी डिडक्शन उसमें टैक्स की भी डिडक्शन है और भी डिडक्शंस हो सकती हैं जो कि होती भी हैं और उसके अलावा यहाँ पे सैलरीज दो तरह से कोट होती है बेसिकली नंबर वन इट्स ऑन एनुअल बेसिस फॉर सम टाइप ऑफ वर्कर्स और उसी पर और बेसिस पे भी होती है फॉर सम अदर टाइप ऑफ वर्कर्स एज वेल तो दो तरह की सैलरी कोट होती हैं नंबर नंबर वन हमने बात की एनुअल uh, बेस की तो so, ये जो एनुअल बेस है ये बेसिकली बहुत सारे कारपोरेट एंटीज़ uh, के अंदर इसी तरह इस, इस, इस चीज़ को फॉलो किया जाता है वैन टॉक अबाउट सैलरीज क्योंकि ये सैलरी कोटेशन ये जो एनुअल का हिसाब किताब है ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो पर घंटे के हिसाब से काम नहीं करते और जो दूसरा हिसाब किताब है वो पर घंटे वालों के लिए लाइट से आप डिलेवरी गए हो या आप ऊबर के साथ काम कर रहे हो या अमेजोन के साथ काम कर रहे हो तो चा, दे चार दे प्रोवाइड यू मनी बेस्ड ऑन द टाइम यू स्पेंड पर आवर तो उनके लिए वो चीज़ है लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जो टिपिकली एक नाइन टू फाइव जो आपका पार्ट है दे आर पेड विद विद एन एनुअल सैलरी और वही कोट होती है हर जगह पे तो अगर आपको कोई कल पूछ बोलता है कि यार मेरी सैलरी पचास हज़ार पाउंड है मैं यूके में गया हूँ मेरी सैलरी पचास हज़ार पाउंड है तो उसका सिंपल सा मतलब यही है कि यार मेरी पचास हज़ार पाउंड एनुअल सैलरी है और वो टैक्स से पहले है तो उस पर सिंपल अगर आपको देखना है कि नेट क्या बनती है मेरी जस्ट गो ऑन गूगल वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यार पचास हज़ार पाउंड नेट ऑफ टैक्स क्या बनता है वो प्रॉब्ली आपका बनेगा थर्टी सेवन थर्टी थर्टी थ्री और थर्टी सेवन थाउजेंड पाउंडस जितना मुझे आइडिया है अभी रफ़ आइडिया उसको आप डिवाइड कर लो बारह से तो आपको पर मंथ की नेट सैलरी मिल जाएगी एंड देन ऑफ कोर्स कन्वर्ट टू योर ओन करेंसी फॉर मेकिंग द डिसीजन तो सिंपल एज दैट एनुअल बेस पे काउंट होती है एंड देन एंड इट हैज़ बीनोशन इन डिफरेंट लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ इन इन यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज इज वेल क्वाइट कॉमन नाओ डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट है वहाँ पर हमारे पास ये है कि मिडल ईस्टन की बात करते हैं पहले दुबई की स्पेशली दुबई अबूधाबी सऊदी आर की तो दे कोट uh, पर मंथ एज ए नॉर्मल तो आपको सैलरी जब ऑफ़र भी होता है तो वही पर मंथ के हिसाब से ऑफ़र होता है यहाँ पे यूरोप की बात करें यहाँ पे आपको एनुअल बेस पे सैलरी ऑफ़र में भी इस तरह ही लिखी होती है तो दे पे पर मंथ वो भी ग्रॉस बेस पे होती है विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स सिमिलर टू हेयर तो लेकिन वो आपकी पर मंथ पे और ऑफकोर्स उसी हिसाब से आपको पेमेंट की जाती है तो एज एन एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोलता है मुझे पंद्रह uh, हज़ार डरम सैलरी मिल रही है uh, तो आपका सिंपल जवाबी और सवाल या थाट प्रोसेस जो आपके दिमाग में होगा कि पंद्रह हज़ार एडीज़ पर मंथ टैक्स तो है नहीं वैसे भी दुबई के अंदर तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विथ यू एक्सचेंज रेट के आपको अपनी लोकल करेंसी में अमाउंट पता चल जाएगी इस सैलरी के लिए तो Uh, ये काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर है जिस जैसे डिफरेंट वे ऑफ कोडिंग कोडिंग योर सैलरीज और इस और लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर ऑफर लेटर्स के अंदर हर जगह पे फिर उसी तरह से इस चीज़ को फॉलो किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अवर ओन कंट्रीज़ लाइक मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ या लेट्स इंडिया की भी या आस की बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो वी हैव आई मीन हमारे पास भी सैलरीज पर मंथ के हिसाब से ही एक बात बनती है कि आपकी कितनी बनेगी सैलरी लेकिन हम यूजली जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई इसी ग्रॉस सैलरी की बात नहीं करता मतलब ने क्या नेट मिल रही है हमारे पास इस तरह का काफ़ी नोशन है कि हम नेट सर्लिस पे फोकस करते हैं और तो मेक सेंस एज वेल कि मेरे जॉब जेब में क्या आ रहा है लेकिन हमारी भी सैलरी ग्रॉस पेस पर पे ही कोट होती है जब वैन इट कम्स टू तो ऑफ लेटर उसके बाद टैक्सेशन डिडक्शनस ये वो सब बात की बात है और राइट सो आई होप दिस वीडियो गिवस क्लैरिटी बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हैं बहुत सारे कॉमेंट्स ने हैं इस पर किया सैलरी किस में काउंट हो रही है एनअल uh, मंथली uh, क्या सीन है और क्रॉस पेज पे या नेट पेज पे है आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग